देखो एक आमिल थे, उनके पास एक मियां बीवी गए, उनके औलाद नहीं हो रही थी। वो आमिल ने ये किया, उनसे कहा लाइट बंद करो, दोनों अपनी थोड़ी सी नामुनासिब बात है लेकिन जो वाकया हुआ मैं वही बता रहा हूं, दोनों से कहा कि अपनी शलवारें उतार के खड़े हो जाओ, कमीज पहने रखो, सतर ढका रहे, और इजा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, इजा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, इजा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, ये पढ़ना शुरू कर दो। उनके ना औलाद नहीं हो रही थी मियां बीवी के। आमिल ने कहा था तुम पे किसी ने जादू किया हुआ है जिसकी वजह से तुम्हारी औलाद बोलो नहीं हो रही, और जादू की मैं काट करूंगा और उसके इतने पैसे लूंगा। अच्छा पैसों का इतना अपनी फ्रॉडी होने के लिए पैसे वैसे का मसला नहीं है, पैसे हो लेता हो तो भी है, नहीं लेता हो तो इम्कान है कि ज्यादा बड़ा फ्रॉडी ना हो। तो आमिल ने क्या किया, उन दोनों को खड़ा कर, पास जादू है जिसकी वजह से औलाद नहीं हो रही उसकी काट करूंगा, उसके लिए एक अमल होगा, अमल यह है कि आप दोनों खड़े हो जाओ, और ये अमल और अंधेरा कर दिया, और अब इदा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा ये सूरत पढ़ते चले जाओ। वो पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, अचानक एक मटका आया, धड़ाम से गिराए ऊपर से आके टूटा, उसमें मियां बीवी के पुतले और उनके अंदर सुइयां। उसने कहा आंखें खोलो, देखा कि भाई हमारे पुतलों में सुइयां लगी हुई हैं, उसने वो सुइयां निकाली और कहा जादू की काट बोलो हो, अब आप तशरीफ ले जा सकते। वो खुश हो गए, भाई जादू हमारा भाई सामने दिखाया।